हेलो स्कॉर्पियोज एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज तारा और आज हम ये रीडिंग करने वाले हैं 8 टू 15 ऑफ अगस्त के लिए। मैं कैमरा पर ही शफल करूंगी। शफल करते समय आप अपनी एनर्जी शफलिंग में डाल सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली स्प्रेड पे भी जंप कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट टुडेज रीडिंग। स्कॉर्पियो डिस्ट्रैक्टेड रह सकते हो, शायद इस वीक में डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं। शेप शिफ्टर, नो किडिंग यार, इससे पहले वाले जब पाइल में मैं शेप शिफ्टिंग की बात की ही है। एंड ट्रांसफॉर्म एंड अनवील योर गिफ्ट्स। स्कॉर्पियो इटसेल्फ इज अ सिंबल ट्रांसफॉर्मेशन का, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन का। एक स्कॉर्पियो अपने आप में एक जैसे कहते हैं ना कि एम्बॉडीमेंट है। आपके लिए मून साइकिल, स्पेसिफिकली जो ये 12th of August मून आ रहा है, बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपकी आपको ये पता चले कुछ इंट्यूशंस, कुछ इंट्यूटिव गिफ्ट्स, कुछ गिफ्ट्स आपके पास हैं, ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पता चल सकती है। वैसे भी वाटर साइन हो आप, हाईली इंट्यूटिव होगे, हो सकते हो, लेकिन कुछ लोग अगर अभी अपनी इंट्यूशन से डिस्कनेक्ट महसूस कर रहे थे तो ये वाले वीक में आपको क्लियर इंट्यूशन से आपको एक कनेक्शन, एक कनेक्ट महसूस होगा। ओके, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन का तो है ये वीक, और अब इंट्यूशन पे आप खास ध्यान रखें इस वीक में, इंट्यूशन में। ओके स्कॉर्पियोस, अब देखते हैं टैरो से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आपका फर्स्ट कार्ड है 10 of Cups, वाओ, 7 of Pentacles एंड 3 of Pentacles। ओके, अगेन बॉटम ऑफ डेक में हाई प्रिस्टेस आया है। इंट्यूशन इज अ मेजर हिट फॉर यू दिस वीक। आपको वर्क रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, आपको इन्वेस्टमेंट कहीं पे करनी है। ओके, अगर आपके शादी के रिश्ते की कहीं बात हो रही है तो आपको किसी भी फील्ड में इंट्यूशन से क्या मैसेजेस मिल रहे हैं स्पेसिफिकली इस वीक में ध्यान देने की बहुत क्लियर जरूरत है। ओके, आई थिंक जो आपने अभी जो भी इन्वेस्टमेंट की है, आपको उसका एक, जिसे कहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है एक प्री मैच्योर आप उससे उम्मीद लगा के बैठे हो, थोड़ा सा और वेट करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, ये लिटरली मनी इन्वेस्टमेंट हो सकती है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, और यहाँ पे एक मैसेज ये भी आ रहा है कि कुछ लोग के लिए फैमिली टाइम बहुत ही फोकस में रह सकता है, आपकी कोई फैमिली में गेट टुगेदर हो सकता है। ओके, तो इमोशन से काफ़ी हैप्पी इमोशन से, और क्योंकि रेनबो की भी एनर्जी है, क्योंकि तो बहुत हैप्पीनेस, बहुत हैप्पी इमोशन इस वीक में आप रह सकते हैं। आपके फैमिली बहुत फोकस में लग रही है, कम्युनिटी भी, अगेन कम्युनिटी भी फोकस में लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग वर्कशॉप्स या फिर ट्रेनिंग सेशंस, या फिर आपको कहा जा रहा है कि जो आप काम कर रहे थे उसी में कुछ स्किल और कुछ स्किल को पॉलिश करो, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए मैसेज हो सकता है कुछ स्कॉर्पियोज के लिए। क्योंकि आई थिंक शायद ये स्किल वाले स्किल सेट के लिए भी आप थोड़े इम्पेशेंट हो रहे हो, आपको कहा जा रहा है थोड़े से और पॉलिश करो अपने स्किल्स। ठीक है स्कॉर्पियोस, और एनिमल स्पिरिट भी काफी आ रही है ना, आप यहाँ देख रहे हो ईगल है यहाँ पे, क्या कहेंगे इसको, फॉक्स तो नहीं कहेंगे, वुल्फ, वुल्फ मे बी डॉग है ना, तो यहाँ पे एनिमल स्पिरिट भी है और यहाँ पे सेलेस्टियल बॉडीज भी हैं। ओके, चलिए, और मैं आपके लिए ना कुछ क्लैरिफिकेशन कार्ड्स में लेना चाहूंगी, दो और कार्ड्स टैरो डेक से फॉर स्कॉर्पियोस फॉर 8 to 15 August। ओके, अच्छा ठीक है, देखिए स्कॉर्पियोस एक नई थीम यहाँ पे आई है।
कि मान लीजिए एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैंगमैन, हैंगमैन से पहली बात तो ये कहा जाता है कि आपको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने की ज़रूरत होनी चाहिए. आप रिजिडिटी अगर दिखाओगे, बहुत ईगो सेंट्रिक हो जाओगे, तो चीज़ें हो सकता है कि थोड़ा प्लेजेंट नहीं रहे. ओके, मुझे ऐसा लग रहा है. ऑलराइट, एंड क्योंकि ये कार्ड थ्री ऑफ पेंटिकल्स के साथ आया है फाइव ऑफ सोर्ड्स, तो फाइव ऑफ सोर्ड्स बहुत अच्छी एनर्जी नहीं है. यहाँ पे एक बंदा ग्रेन कर रहा है क्योंकि बाकी लोग लूज कर गए, तो हो सकता है उन्होंने सोचा कि दिस वॉज नॉट आवर बैटल टॉपिक. तो लिटरली कुछ वर्क स्पेस में कुछ एनर्जी, मिस्चीवियस एनर्जी यहाँ पे मुझे लग रही है. ये भी हो सकता है कुछ लोग के लिए ऐसी एनर्जी आ रही है. तो अगर आप ऐसे कुछ भी किसी भी तरीके की इंडिकेशन आपको मिले, तो आपको अगेन कहा जा रहा है आप अपनी इंट्यूशन से जुड़ो. जो भी ये सिचुएशन है, आपकी इंट्यूशन ही है जो आपको राइट आंसर देगी. ठीक है, हो सकता है कि आप इस ग्रीन की एनर्जी में हो, दूसरा बंदा डिफीट की एनर्जी में है, तो आप अपने हिसाब से देखना कि आपकी एनर्जी कहाँ पे है. अगर आप डिफीट, आपने तो कहा ये तो मेरा बैटल है ही नहीं, लेकिन दूसरा बंदा ही अभी रेडी, तो आप उनकी एनर्जी के हिसाब से भी देखो ना कि आपने तो डिफीट कर, चलो आपने सोचा कि दिस इज नॉट माई बैटल, मेरे को नहीं करना ये बैटल ना, मेरे को इसमें एनर्जी डालनी नहीं है, लेकिन दूसरा बंदा यहाँ पे तलवार लेके अभी भी खड़ा हुआ है, तो आप थोड़ा स्लो डाउन की एनर्जी भी कही जा रही है. सेकेंडली, हैंगमैन से एक आता है कि आप थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेंथ पे काम करो. अगर कहीं चीज़ काम, आप बहुत रिजिड हो रहे हो अपने बिलीफ सिस्टम से कि नहीं ऐसे ही होना चाहिए था काम, ये तो ऐसे नहीं होता, तो आप वो रिजिडिटी कहीं ना कहीं आपको लूज करनी चाहिए. आपको अपना चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव करना ज़रूरी है यहाँ पे, तभी ये रिजिडिटी से आप बाहर निकल पाओगे. या फिर कुछ लोग के लिए ये भी मैसेज हो सकती है कि बहुत लंबे समय से, क्योंकि यहाँ वेट का भी कार्ड आया है, बहुत लंबे समय से अगर सिचुएशन डिसकंफर्ट में थी, तो क्योंकि 10 ऑफ कप से शुरुआत हुई है, तो कुछ उसमें हैप्पी न्यूज आती दिखाई दे रही है. ठीक है, स्कॉर्पियोज एंड स्कॉर्पियोज, यार आप तो वैसे ही शेप शिफ्टर्स, स्नेक्स जो होते हैं वो हमेशा अपनी केचली गिराते हैं, राइट. यहाँ पे स्नेक एनर्जी भी है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है लिटरली कोई लोग बॉडीली ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है कुछ लोग का. कोई ऐसी, आप एक हफ्ते में ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, बट हाँ आप ऐसी एक एनर्जी में आ जाओ. मान लो आप बॉडी, आप बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे कि एक हेल्दी बॉडी, तो उस ट्रांसफॉर्मेशन को आप टैप इन करने की उस एनर्जी में आ जाओ, ये ज़रूर हो सकता है. एक मुझे अभी मैसेज इस सेवन ऑफ पेंटिकल से मिल रहा है कि हो सकता है आप जिस चीज़ पे ध्यान लगा रहे थे, आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिस भी हो सकती है. आप मिस, वो मिस इन्फॉर्मेशन को आप ध्यान नहीं दिया आपने, वो इन्फॉर्मेशन मिस हो गई और आप कोई डिसीजन ले लिया, तो इस चीज़ से भी बचना. यहाँ पे भी आपको आपकी इंट्यूशन कहीं ना कहीं गाइड करेगी. ओके, ठीक है. एंड ओवरऑल मुझे एनर्जी ठीक है फाइव ऑफ सोच की आई है, लेकिन फाइव ऑफ सोच की एनर्जी, क्योंकि आपको पता है कि ऐसी कोई एनर्जी आ सकती है, तो आप इससे बचने की कोशिश करना. हो सकता है लोग आपके लिए प्लॉटिंग प्लानिंग भी करें, तो आप वो प्लॉटिंग प्लानिंग अगर कोई कर रहा है, तो आप कीप एन आई फॉर दैट. ठीक है, क्योंकि इफ इट इज नॉट योर बैटल टॉपिक, ठीक है कोई भी कुछ भी कर ले यार, मेरे को नहीं करना ना, दिस इज नॉट माई बैटल, आई डोंट वॉन्ट टू यू नो फाइट दिस बैटल. अब हर बैटल लड़ेंगे तो एनर्जी इतनी है ही नहीं, ह्यूमन फॉर्म में है ही नहीं इतनी एनर्जी, क्या करें, हर किसी को थोड़े सिखाते बैठेंगे. ओके, स्कॉर्पियोस, एंड कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना आपको ट्रस्ट दिखाना चाहिए हायर फोर्सेस पे भी, कि इफ थिंग्स आर दिस वे राइट नाउ, तो व्हाट इज बिहाइंड इट. मतलब हर चीज का आपको आंसर मिल जाए, हर चीज हमेशा श्योर हो 100%, ऐसे नहीं हो सकता. आपको थोड़ा सा हायर फोर्सेस में भी ट्रस्ट दिखाने के लिए कहा जा रहा है, तभी ये पेशेंस की एनर्जी आ रही है, ये भी पेशेंस की एनर्जी है. ओके, तो हैव सम पेशेंस. अगर इम्पेशेंट हो रहे थे किसी रिजल्ट की वजह से, किसी इन्वेस्टमेंट की वजह से, तो आपको कहा जा रहा है पेशेंस इज द वर्च्यू ऑफ द आर. ठीक है, पेशेंस द वर्च्यू ऑफ द आर.
ऑफ द वीक फॉर यू एक्चुअली लिटरली. ठीक है, तो ये कुछ मैसेजेस थे आपके लिए स्कॉर्पियो, एंड अगर आपको इन मैसेजेस से कुछ भी हेल्प या गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, जिससे मेरी भी हेल्प होती है. एंड आपके साथ कितनी ये रीडिंग रेजोनेट हुई मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं. अगर फ्यूचर में ऐसा कंटेंट देखना आप पसंद करेंगे तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ये रीडिंग्स जरूर शेयर करें. मैंने सभी साइंस की रीडिंग डाली है तो वो लोग अपने हिसाब से भी ये रीडिंग्स देख सकते हैं, जिससे आपको कुछ हेल्प मिली है बाकी लोगों को भी हेल्प मिलेगी. ओके, तो शेयर ज़रूर कीजिएगा. दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, एंड आपको मिलेंगे हम आपकी नेक्स्ट रीडिंग में. मीनवाइल टेक केयर, बाय.